नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी मेडिकल कॉलेज की सौगात। विधायक संदीप जायसवाल ने कहा, चुनावी घोषणा नहीं बल्कि स्वीकृति पत्र मिला है। कटनी विधायक श्री जायसवाल ने सोमवार को अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि आज सुबह मुख्यमंत्री ने फोन पर कटनी को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति देने की जानकारी दी है। विधायक ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक 150 की जगह 350 बिस्तरों का अस्पताल पहले से ही तैयार है। जमीन भी 25 एकड़ स्वीकृत हो चुकी है। विधायक संदीप जायसवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज की घोषणा से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। विधायक ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार जताया है। आज सुबह सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मोबाइल पर मुझे बातचीत करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा, संदीप, तुम्हारे कटनी के लिए मेडिकल कॉलेज की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इस संबंध में पत्र भी जारी हो रहा है और मैंने आप सबको उस पत्र की प्रति भेज दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कटनी को इतनी बड़ी सौगात दी। और जैसा कि आप सबको मालूम है, किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए 150 बिस्तर का 300 बिस्तर का अस्पताल और 25 एकड़ जमीन की जो आवश्यकता होती है। कटनी में पूर्व में 200 बिस्तर का अस्पताल था, 150 बिस्तर का अस्पताल कंप्लीट हो गया। अब कटनी की क्षमता 350 बिस्तर की हो चुकी है। इसके अलावा 50 बिस्तर का ICU क्रिटिकल केयर यूनिट का भी एक भूमि पूजन अभी अभी हुआ है कुछ दिनों पूर्व। कुल मिलाकर 400 बिस्तर का अस्पताल हमारा कटनी का हो जाएगा। 25 एकड़ जमीन आप सब जानते हैं, उसकी जगह 35 एकड़ जमीन पूर्व में ही चिन्हित कर ली गई थी। आज शासन द्वारा जारी आदेश में सैद्धांतिक सहमति देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि कटनी में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में प्रथम चरण में 100 सीट होंगी और उसके लिए उन्होंने 10 किलोमीटर के अंदर कटनी जिला अस्पताल से 10 किलोमीटर की परिधि में जमीन का चयन करने के लिए कहा है, तो वह जमीन का चयन पहले से है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी समस्या अगर है तो उसकी गहराई में जाकर हमें उसके हल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज जो पहले प्रयास किए गए थे, जिस ढंग से 200 से 350 बिस्तर का अस्पताल किया गया, जमीन से पूर्व से चिन्हित की गई, इससे गति मिलेगी। अब कटनी को मेडिकल कॉलेज मिलकर रहेगा और ईश्वर की कृपा से एक बहुत बड़ी उपलब्धि कटनी को मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मध्य प्रदेश शासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस मेडिकल कॉलेज के लिए लगातार प्रयास करने वाले, लगातार सबके बीच में रह के इस बात को उठाने वाले अपने सांसद आदरणीय BD शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयासों से कटनी को मेडिकल कॉलेज मिला। मैं अपने साथी विधायकों आदरणीय संजय पाठक जी, आदरणीय प्रणय प्रभात पांडे जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। इन सबके द्वारा भी इस संबंध में लगातार प्रयास किए गए, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक टंडन जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सहयोगी, वरिष्ठ जन एवं अपने मित्रों सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने लगातार इस बात को उठाया और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम और सबके सहयोग से और कटनी को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। चुनावी बेला में सैद्धांतिक सहमति जो मिली है,